हेलो दोस्तों, वेलकम होम टेक्स एंड टिप्स चैनल में। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो कि आपकी हीटर पानी गर्म करने की ये कॉइल होती है दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं ये वाइट वाइट जो लगा हुआ है, इसको कैसे साफ़ करें। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊँगा कि आपको कैसे इसको साफ़ करना है, ये कैसे क्लीन होता है। क्योंकि दोस्तों कुछ मेरे अपने जो व्यूअर थे, जो अपने चहेते व्यूअर थे, उनने बात कही थी कि सर आपने सुधारना तो बता दिया, लेकिन इसको कैसे ये इसको साफ करें ये आपने बता नहीं, खार कैसे छूटे। दोस्तों इसी को मैं बताने वाला हूं, तो दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो प्लग है इसको आपको खाली यूं ही रखकर करंट में लगाना है। आपको इसको यूं ही चालू करना है, सिर्फ मैं पूरे एक मिनट भी नहीं, मुश्किल से आधा मिनट के लिए। दोस्तों इसको मैं इसमें लगाता हूँ करंट में। देखिए दोस्तों अभी इसको मैं करंट में लगाऊंगा तो हल्की सी ये गर्म पड़ेगी, इसके बाद दोस्तों इसमें प्रोसेस चालू हो जाएगी। क्या दोस्तों इसको बस थोड़ी सी मैंने बटन चालू कर दी है, बस आपको थोड़ी मामूली सी गर्म करना है। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये पूरा जो सिस्टम है ये अपने आप उसको छोड़ देगा। दोस्तों देखिए धुआं निकल रहा है, इसमें निकल रहा है दोस्तों धुआं। क्या है दोस्तों, ये ड्राई होने के बाद अपने आप बस थोड़ी देर में ही दोस्तों ये मैंने इसको किया है। अभी अभी दोस्तों इसमें नमी बाकी है, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें भी नमी निकल रही है। तो इसको दोबारा फिर से चालू करता हूँ, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले इसमें नमी निकलेगी, और नमी निकलने के बाद ये ठीक अपने आप पूरा छोड़ने लगेगी। तो इसको इसी तरीके से करना है दोस्तों। इतना ध्यान जरूर रखना है कि ज़्यादा हीट ना हो, क्योंकि ये ख़राब भी हो सकती है, इसलिए दोस्तों इसको थोड़ा धीरे धीरे यूज़ करना है। ये देखिए दोस्तों आवाज आ रही है आपको पट पट की। ये देखिए दोस्तों दिखाई दे रहा है निकलते हुआ, दे रहा दोस्तों निकलते हुए धीरे धीरे दिखाई दिए दोस्तों, आवाज भी आ रही है। देखिए दोस्तों ये मैंने अब बंद कर दी है। इस तरीके से कि सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप इसको साफ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों दिखाई दी आपको, मैं इसको ठोकता हूं। दिखाई दिए दोस्तों, जो कुछ भी है दोस्तों आपके सामने है। इस तरीके से आपको धीरे धीरे करके ये पूरी क्लियर हो जाएगी दोस्तों, और हल्का सा ठोकना है, ज़्यादा नहीं। ये दिखाई दे रहा दोस्तों, और इसके बाद ये जैसे ही ये इस तरीके से चटचटाने लगे तो इसको थोड़ी देर और आप ऐसे ही रखा रहने दें। जैसे ही अभी रखिए आपके सामने दोस्तों, आपने देखा मैंने इसको किया, थोड़ा गर्म किया, फिर धीरे धीरे करके इसको। तो दोस्तों इसमें कोई एसिड की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या होता है ये दोस्तों, ये खार रहता है, ये आपको दिख रहा है, इसमें दोस्तों नमी रहती है। जब तक नमी रहती है इससे चिप करता है, हल्का सा गर्म होगा ये अपने आप चिटक के निकलने लगेगा। देख रहे हैं दोस्तों ये जैसे ये निकला हुआ है, आपके सामने की बात है दोस्त, तब भी मैंने आपको करके दिखाया। दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे आप इसका खार निकाल सकते हैं, और ज़्यादा देर के लिए इसको आप ना चालू करके छोड़ें, क्योंकि दोस्तों आप ज़्यादा देर के लिए इसको छोड़ेंगे तो इसमें से दोस्तों ये भ्रष्ट होने का डर रहेगा, क्योंकि ये गर्म ज़्यादा हो जाएगी। दोस्तों आधा मिनट भी बहुत बड़ा होता है, आधा मिनट भी नहीं रखना है, अपने हिसाब से इसको शेड्यूल को चेक करना है, कब ये छोड़ने लगे धीरे धीरे करना है। फिर ये ठंडी हो जाने के बाद दोस्तों ये अपने आप यहाँ से कोई भी आप कोई भी चीज़ से इसको हटा सकते हैं, क्योंकि अधिकतर तो वो ऑटोमेटिकली ही निकाल देगा, थोड़ा बहुत बचेगा तो उसको आप कोई भी पहनी चीज़ से साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पे आप हमको बताएं कि आपको कहां पर किस चीज़ में प्रॉब्लम जा रही है, या किस चीज़ का हम वीडियो क्रिएट करें, या आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते दोस्तों, क्योंकि ये आप चीज़ आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको बेहतर से बेहतर छोटी छोटी ट्रिकें बताऊंगा, जो कि आपके पैसे और समय दोनों बचाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब का बटन वीडियो के नीचे मिलेगा, और दोस्तों सब्सक्राइब का कोई भी पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब का मतलब ये कि दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी मेरा वीडियो है आपको सबसे पहले मिलेगा और आप उसको देख पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।